आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाइसिकल के टायर प्रेशर की, Hey guys, welcome back to the channel. My name is Vishu. I welcome you all to my channel Cycle Rider Roy. If you are new to my channel, make sure you subscribe this channel and hit the bell button icon. So tire pressure जो है वो बहुत ही ज़्यादा confuse करता है सभी riders को, फिर चाहे वो road bike users हो, hybrid bike users हो या फिर एक mountain bikers हो. कौन सा टायर प्रेशर उनके पर्टिकुलर टायर के लिए या उनके बाइक के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. बिकॉज जो टायर प्रेशर होता है वो डिफरेंट टेरेन्स एंड डिफरेंट टाइप ऑफ राइडिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होते हैं. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप रोड में राइड कर रहे हो तो उसमें राइडिंग करने के लिए टायर का जो प्रेशर होता है वो डिफरेंट होता है. एंड अगर कभी आप ऑफ रोड राइड के लिए जाते हो तो वहाँ पर कितना टायर प्रेशर हमको रखना चाहिए, ये भी काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है. वेल, इन सभी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए आज का ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ताकि जब नेक्स्ट टाइम आप राइडिंग के लिए जाओगे तो आपको टायर प्रेशर से लेके कोई भी कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. सो सबसे पहले बात कर लेते हैं एडवांटेज की, कि अगर आप अपने टायर्स में ऑप्टिमम टायर प्रेशर को रखते हो तो उससे आपको क्या क्या एडवांटेज मिलता है. वेल, नंबर वन एडवांटेज जो आपको मिलता है वो है लेसर पंक्चर्स. बिकॉज अगर आपके टायर में ऑप्टिमम टायर प्रेशर होता है तो जो पंक्चर होते हैं उसके होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम हो जाते हैं. बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि लो टायर प्रेशर होने की वजह से पिंच फ्लैट या स्नेक बाइट्स होना बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है. सेकेंड बेनिफिट जो आपको मिलता है अपने टायर के प्रेशर को ऑप्टिमम रख के, वो है कि आपके टायर की जो लॉन्जेविटी है एंड ड्यूरेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है. आपका टायर काफ़ी लॉन्ग टाइम तक परफॉर्म कर सकता है एंड काफ़ी लॉन्ग टाइम तक आपके टायर की लाइफ बनी रहती है. थर्ड बेनिफिट, आपके टायर के साइड वॉल्स में क्रैक इतनी ईजिली नहीं आते हैं. नॉर्मली आपने देखा होगा कि अगर आप लो टायर प्रेशर रख के अपनी बाइक को चलाते हो या कहीं पर छोड़ देते हो तो टायर के साइड वॉल में क्रैक आना शुरू हो जाता है. सो अगर आप अपने टायर में ऑप्टिमम टायर प्रेशर को रखते हो तो आपके टायर के साइड वॉल्स में क्रैक इतनी ईजिली नहीं आता है. अगर आपके टायर का ऑप्टिमम प्रेशर रहता है तो जो आपकी ग्रिपिंग होती है वो काफ़ी अच्छी आपको मिलती है, फिर चाहे वो ऑन रोड हो या ऑफ रोड हो. एंड उसी के साथ साथ आपके काफ़ी सारे पैसे भी बचते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिसएडवांटेज, कि अगर आप अपने टायर्स में ऑप्टिमम टायर प्रेशर को नहीं रखते हो. वेल्स, जो नंबर वन डिसएडवांटेज दैट आई वुड लाइक टू शेयर वो है टायर का पंक्चर होना. आपने देखा होगा कि जब आपके टायर में या तो हद से ज़्यादा टायर प्रेशर हो या टायर प्रेशर जो रिकमेंडेड है उससे कम हो तो आपके टायर में पंक्चर होना बहुत ईजी हो जाता है. बिकॉज या तो आपके टायर में पिंच फ्लैट्स हो जाएंगे या स्नेक बाइट्स हो जाएंगे. एंड सेकेंड डिसएडवांटेज, कि आपके टायर में अगर आप ऑप्टिमम टायर प्रेशर को नहीं रखते हो, मीन्स जितना रिकमेंडेड है उससे अगर आप कम रखते हो तो टायर के साइड वॉल्स क्रैक हो जाते हैं, जिससे आपका टायर काफ़ी जल्दी ख़राब हो सकता है. सो करेंटली यू कैन सी आई हैव अ MTB व्हील सेट. सो इट डजेंट रियली मैटर कि आपके पास MTB का व्हील सेट है, हाइब्रिड का है, रोड बाइक का है. सो जनरली आपके बाइक का टायर कुछ इस तरीके से आपके रिम में लगा होता है एंड उसका जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है जो नॉर्मली रोड को या सरफेस को टच करता है वो कुछ इस तरीके से होते हैं. तो जब आप अपने टायर में बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देके रखते हो या काफ़ी ज़्यादा एयर प्रेशर आप अपने टायर्स में भर के रखते हो तो जो कॉन्टैक्ट एरिया होता है जो सरफेस को टच करता है वो काफ़ी कम हो जाता है, जिससे आपका रोलिंग है वो तो काफ़ी फास्ट हो जाता है बट इससे कई बार ये होता है कि आपको ऑप्टिमम ग्रिप नहीं मिलती एंड कई बार स्लिप होने का खतरा ज़्यादा रहता है. अगर आप अपने टायर में जो एयर प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा कम रखते हो तो उससे आपकी ग्रिप तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बट उससे आपके टायर में आप देखोगे कि इस तरीके से बेंट होना ये टायर शुरू हो जाता है, जिससे जो उस टायर की लाइफ है वो काफ़ी कम होनी शुरू हो जाती है. एंड कई बार ऐसा भी होता है कि टायर आपके रिम के साइड वॉल से भी निकलने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है. टायर पिंच फ्लैट हो सकता है या उसमें स्नेक बाइट्स हो सकते. नाउ बिफोर वी गो अहेड, लेट मी शेयर समथिंग विद यू. सो दिस इज सप्लाई 6, अ कंप्लीट मील इन ड्रिंकेबल फॉर्म. सो दे रीच्ड आउट टू मी एंड आस्क्ड मी इफ आई वुड लाइक टू ट्राई देयर सप्लाई 6. सो दिस इज नॉट अ पेड और स्पॉन्सर्ड वीडियो. आई एम नॉट गेटिंग पेड बाय सप्लाई 6 टू शेयर द डिटेल्स विद यू. ये बेसिकली उन लोगों के लिए बनाया गया है जो बहुत ही ज़्यादा काम में बिजी होते हैं. अगर आप अपने ऑफिस में बहुत ज़्यादा काम में बिजी रहते हो या अगर आप कहीं पर लॉन्ग डिस्टेंस टूर राइड के लिए जाते हो जहाँ पे आपके पास नॉर्मल होम कुक फूड या हेल्दी फूड का अल्टरनेटिव नहीं है एंड आप नहीं चाहते कि आप किसी भी तरीके के जंक फूड को खाओ, तो उस केसेस में आप इस सप्लाई 6 को यूज़ कर सकते हो. दिस विल गिव यू 27 विटामिंस एंड मिनरल्स जो आपको न्यूट्रिशनली कंप्लीट रखेंगे एंड उसी के साथ साथ दिस कैन कीप यू फुल फॉर अप टू 5 to 6 आवर्स.
Now, as per Supply 6, ये पूरी तरीके से प्लांट बेस्ड है एंड वीगन है. Now, preparing this Supply 6 is really easy. All you need to do, जैसे इसको कट करके आप अपने शेकर बॉटल या चाहो तो जो भी आपके पास बॉटल है उसमें आप बहुत इजीली इसको पोर करके आप उसमें 300 to 500 ml का वाटर आप मिक्स करो एंड इसको अच्छी तरीके से 20 से 30 सेकेंड तक आप शेक करके आप अपने Supply 6 के इस पूरे मील को रेडी कर सकते हो एंड बहुत इजीली कंज्यूम कर सकते हो. सो मैं बहुत ही जल्द इस Supply 6 को अपने साथ लॉन्ग डिस्टेंस राइड एंड ऑफ रोड राइड में लेके जाऊंगा एंड इसको अच्छी तरीके से टेस्ट करूंगा एंड आप सभी लोगों के लिए इसका एक डिटेल रिव्यू मैं लेकर आऊंगा. सो इफ यू आर अ हाइब्रिड और रोड बाइक यूजर विद 700x23C और 700x25C टायर्स, सो आपके लिए जो रेकमेंडेड टायर प्रेशर है वो है अराउंड 100 PSI का. आप 100 PSI से ऊपर ही अपने टायर के प्रेशर को हमेशा रखना जिससे आपका जो टायर है वो बेस्ट परफॉर्म करेगा. एंड इफ़ यू आर यूजिंग अ 700x28C और 30C तो आपके लिए जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है वो है 80 से 100 PSI के बीच में. एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ यूजिंग अ 700x32C या 700x38C का टायर्स तो आपके लिए जो रिकमेंडेड टायर प्रेशर है वो है अराउंड 70 से 80 PSI के बीच में जो आपको काफ़ी ऑप्टिमम राइड प्रोवाइड कर सकता है. So now let me share the recommended tire pressure for mountain bike users. So generally, अगर आप अपने mountain bike को on road ride कर रहे हो, so I recommend कि आप अपने tire pressure को between 35 से 55 PSI के बीच में रख सकते हो. And it is also recommended कि आप अपने MTB bike के tire के side walls को ज़रूर एक बार check करना कि उसमें जो maximum tire pressure है वो कितना है. Because generally, कुछ tire में maximum tire pressure अप टू 50 PSI या 55 PSI तक होता है एंड कुछ टायर में मैक्सिमम टायर प्रेशर अप टू 65 PSI तक होता है. सो अगर आप बिटवीन 35 से 55 PSI के बीच में अपने टायर प्रेशर को रखते हो तो ऑन रोड आप अपनी MTB में काफ़ी ऑप्टिमम राइड एंड ग्रिप्स को पा सकते हो. एंड इफ़ यू आर समवन जो ट्यूबलेस टायर को यूज़ करता है सो आप 30 PSI तक अपने टायर के प्रेशर को रख सकते हो या जितना आपके टायर में मिनिमम प्रेशर रिकमेंडेड है आप उतना मिनिमम टायर प्रेशर अपने ऑफ रोड राइड के लिए रख सकते हो जिससे आपका जो टायर है वो आपको मैक्सिमम प्रोटेक्शन एंड ग्रिप प्रोवाइड करेगा आपके ऑफ रोड राइड में. अगर आपको मेरे साथ साइकिलिंग राइड्स में जाना है, साइकिलिंग व्लॉग्स को देखना है एंड ऑफ रोड राइड को देखना है जो मैं करता हूँ, मैंने एक न्यू चैनल क्रिएट किया है CRR व्लॉग्स जहाँ पे मैं साइकिलिंग राइड्स, साइकिलिंग ऑफ रोड राइड्स, लॉन्ग डिस्टेंस टूरिंग राइड्स ये सभी वीडियोस मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगा. सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हो एंड मेक श्योर कि आप बेल बटन को प्रेस करके रखना. सो मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड इफ यू वॉन्ट टू क्लीन योर बाइसाइकिल गियर्स एंड ड्राइव ट्रेन्स देर इज अ वीडियो हियर दैट कैन हेल्प यू. एंड अगर आप अपने बाइसाइकिल के व्हील सेट को सर्विस करना चाहते हो, उसके हब्स को एंड उसके बेयरिंग्स को, तो यहाँ पे एक वीडियो है जिसको आप चेक कर सकते हो. सो आई विल सी यू विद अनदर वीडियो. अंटिल देन कीप पेडलिंग, स्टे फिट एंड ऑलवेज स्माइल. बाय बाय.